दुर्योधन बता रहे हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टिकेतुश्च कीतानः काशीराजस्य वीरवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः युयुद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदश्च सर्वयो महारथा। यानी दुर्योधन बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि जो पांडवों की सेना है उनकी सेना में भीम अर्जुन के समान बलशाली योद्धा और महारथी युधान विराट और द्रुपद जैसे अनेक सूरवीर धनुर्धर हैं उनकी सेना में, और साथ ही इनके साथ धृष्टकेतु चेकितान काशी राजा के पराक्रमी राजा कांसी राज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं और सैव्य सभी के यहाँ महान सेना नायक पांडवों की सेना में हैं, और इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु सूरवीर उत्तमौजा सुभद्रा के पुत्र हैं जो सभी क्या है निश्चित ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। यानी इन तीनों ही श्लोक में दुर्योधन बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन से शक्तिशाली महायोद्धा हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों आपको भी क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि आखिर समस्याएं क्या है, एग्जैक्टली समस्या है का क्या। अगर आपको ये पता होगा कि समस्या है क्या, उसकी हर डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु भी है तो उसके बारे में भी आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, आखिर वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक जैसे दुर्योधन अभी इस कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पांडवों की सेना में कौन कौन है, कौन कौन योद्धा है, कौन कौन शक्तिशाली योद्धा उनकी सेना में और क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। तो ठीक ऐसे ही आपको भी करना क्या है कि जो समस्या है उसकी हर डायमेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है दोस्तों।